हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्पवाटिका लखनऊ पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक फिर गुलाब के ऊपर है, क्योंकि गुलाब का महीना चल रहा है, ठंडक दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में गुलाब अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, खूब सारे फूल खिलाता है। लेकिन ऐसे नहीं, इसकी देखभाल करनी जरूरी है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ये एक गुलाब का पौधा छोड़ रखा था। आप देख रहे होंगे कितनी कलियां इसमें बन रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें बीमारी भी लगी हुई है। आज हम इसी बीमारी पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, कैटरपिलर ने सारी पत्तियों को खा लिया है, साथ ही साथ पत्तियों में ये कालापन प्रयोग हो रहा है, आ रहा है। ये देखिए, पत्तियां मोड़ी हुई आ रही हैं, मैं काट के दिखाता हूँ आपको। ये पत्तियां देखिए मोड़ी हुई आ रही हैं, ये सारी पत्तियां। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कहीं गुलाब में फंगस का प्रयोग तो नहीं हो गया है, कहीं गुलाब की पत्तियों को कोई कीड़ा तो नहीं खा रहा है, और गुलाब में कहीं माइट्स का प्रयोग तो नहीं हो गया है। तरह तरह की बीमारियां हैं। अब सभी बीमारियों के लिए हम कौन सी दवा डालेंगे? बहुत सारी दवाएं मार्केट में हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बताने वाले हैं जो बदल बदल कर आप उसका प्रयोग करेंगे। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए और उसी तरह से आप प्रयोग करें। जड़ में कौन सी दवा देनी है अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है ये अगले टॉपिक पर मैं इसको लूँ कि रूट जोन कैसे बनाएं हम, अच्छा कैसे बनाएं, उसके ऊपर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल हम इन गुलाब की पत्तियों और टहनियों में लगने वाली बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि जो भी गुलाब की पत्तियाँ इस तरह से हो गई हैं उनको हम काट के निकाल दें। जब हम काट के निकाल देंगे तो आधी बीमारी हमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहला काम ये करें, आप इन पत्तियों को धीरे धीरे किसी कैंची की या कटर की सहायता से काट काट के निकाल दीजिए। इस तरीके से आप निकाल दीजिए, इस तरीके से आप निकाल दीजिए पत्तियों को। तो इससे क्या होगा कि जो नई पत्तियां आएंगी छिड़काव के बाद वो स्वस्थ रहेंगे और फिर आप छिड़काव जारी भी रखेंगे। इसको अपनी तरफ घुमा के मैं करता हूँ, ये देखिए, धीरे धीरे करते हुए आप इन पत्तियों को निकाल दें। अगर आपके पास ज़्यादा गुलाब हैं तो इस तरह से आप समय दे करके काम कर सकते हैं, संडे के दिन या किसी छुट्टी के दिन आप बैठ के काम कर सकते हैं। पत्तियों को निकालना बहुत जरूरी है। दवा देने से प्रकोप तो रुकेगा, लेकिन जो खराब हो चुकी हैं पत्तियां उनको हम नहीं रोक पाएंगे। इस तरह से ये देखिए, इतनी सारी पत्तियां निकली। अब साथ ही साथ में आप देख रहे होंगे कि इसमें ये कालापन है टहनियाँ, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। इस तरह से पूरी तरीके से हम पहले गुलाब की ये सूखी हुई पत्तियों को हटा देंगे, पूरी तरीके से गुलाब की पहले हम सफाई कर लेंगे। कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले ध्यान से देखिएगा, अभी मैं दवा का नाम बताता हूँ, अपने वीडियो में कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन उसका प्रयोग आपको नियमित रूप से करना है। नियमित का मतलब जो शेड्यूल हम आपको बताएं उस शेड्यूल के अनुसार उसका प्रयोग आपको करना है। ये पीली पत्तियाँ हटा दीजिए यहाँ से, ये देखिए जितनी भी पत्तियाँ हैं हम आपको हटा देंगे। चलिए अब आप आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इन सूखी टहनियों को हटा देंगे और जो गुलाब सूख रहा है, जैसे ये गुलाब बना हुआ अभी खिलेगा नहीं, तो इसको यहाँ से हम काट देंगे। तो ये तो हो गई गुलाब की सफाई। अब सेंडर में लगा हुआ गुलाब का यही फायदा मिलता है कि खूब ग्रोथ करता है, खूब सारी कलियाँ बनाता है, क्योंकि इसमें पानी कहीं खड़ा भी नहीं होता, बिल्कुल मीडिया ड्राई है। देख लीजिए अंदर से, इधर खूब बरसात हुई थी तो हमने पानी अभी दिया भी नहीं। अब करना क्या है हमें, अब हमें जो करना है वो आपको हम बताते हैं। शेड्यूल वाइज इसको करना है, एकदम से नहीं करना है आपको। शेड्यूल वाइज बना लीजिए, तीन तीन दिन का गैप रहेगा हर शेड्यूल में। जैसे आज आप परफेक्स 2 ml 1 लीटर पानी में, इस तरह से कोई बोतल ले लीजिए जिसमें 1 ml पानी भर लीजिए, 2 ml का है, 2 ml लिखा हुआ है इसमें, तो 2 लीटर का है ये, सॉरी 2 लीटर का है, तो इसमें सिर्फ 2 ml ये परफेक्स नाम की दवा आती है, इसको मंगा लीजिए। तो ये जो पत्तियों में छेद हो जाते हैं, पत्तियों को जो खा लेते हैं, इस तरह से पत्तियाँ जो है, कोई भी कैटरपिलर ही ज़्यादा खाता है, कैटरपिलर मीन्स बोट जैसा कोई होता है जानवर, वो खाता है। तो इसको हर तीसरे दिन आप पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, 2 ml 1 लीटर पानी में डालकर इस पर स्प्रे करेंगे। आपके पास कई सारे पौधे हैं तो उसी रेशियो में आप बढ़ा लीजिए। अगर आपको 2 लीटर पानी चाहिए तो 4 ml दवा। पहली बात तो ये हो गई। तीसरे दिन जैसे आज मान लीजिए बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को शाम को डालेंगे आप, या सुबह डालेंगे तो फिर शुक्रवार शनिवार न डाल करके इतवार को डालेंगे। एक शेड्यूल है आपका, बना लीजिए इस तरह से। फिर अगले 3 दिन आप क्या करेंगे, ये दवा है कन्फीडर, बहुत ही अच्छी दवा है,
कन्फीडर का प्रयोग गुलाब में करना ही करना है, और इसका भी शेड्यूल वही रहेगा हर तीसरे दिन, यानी संडे के बाद मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को, वेडनेसडे को आप इसका प्रयोग करेंगे, हर तीसरे दिन आप इसका प्रयोग करेंगे। ये भी 2 ml 1 लीटर पानी में पूरे गुलाब के टहनियों को, पत्तियों को पूरी तरह से आप नहला देंगे नीचे से लेके ऊपर तक। ये प्रक्रिया आप जारी रखेंगे लगातार 1 मंथ तक। इसके बाद आपको एक दवा और देनी है, जो दवा है इक्जोडस। ये टोटल बायो है, बायो दवा है, ये फंगस को भी रोकेगी और गुलाब में जो सारी बीमारियां इन दो दवाओं को देने से बचेंगी उसको पूरी तरह से नष्ट कर देगी। इसके अलावा आपको कोई दवा नहीं लेनी है। इक्जोडस लगभग 2 ml दवा, या आप बढ़ा लीजिए, बायो है 5 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके पूरे गुलाब में छिड़कना है। तो गुलाब, इसके बाद जो पत्तियां इसमें निकलेंगी, टहनियां निकलेंगी, वो बहुत ही स्वस्थ निकलेंगी और फ्लावर ऐसे ही भर भर के आएंगे आपके गुलाब में। तो दोस्तों 3-3 दिन के गैप पर इन दवाइयों का प्रयोग करना है। दवाइयों का नाम लिख लीजिए, परफेक्ट सुपर, इसके अलावा फिर कन्फीडर, और इसके बाद फिर आपको इक्जोडस। इक्जोडस महंगा है, इसकी छोटी फाइल भी मंगा लीजिए, 100 ml की मंगा लीजिए, 200 ml की, ये हमेशा चलेगा आपके पास में। अगर गुलाब का शौक रखते हैं तो इन चीज़ों का बारी बारी से आप प्रयोग करेंगे तो गुलाब का पौधा आपका हर बीमारियों से दूर रहेगा। इसमें फंगस का प्रयोग नहीं होगा, इसमें मिलीबग का प्रयोग नहीं होगा, इसमें कैटरपिलर का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी तरह की बीमारियां इसमें नहीं लगेंगी। बस शेड्यूल आप कायम करिए गुलाब को बचाने के लिए। जितना गुलाब के लिए टॉनिक आवश्यक है, दवाइयां हम नीचे रूट में देते हैं, उतना ही ऊपर हमें ख्याल करना पड़ेगा। दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था गुलाब के ऊपर, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ये प्रयोग कीजिए जो मैंने बताया है, लाइक कीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। साथ ही साथ नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को जैसे मैं लोड करूं, अपलोड करूं, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो पर आने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।